सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच आवर वीडियोस। दोस्तों स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। मैं गुलशन बरखास में आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों पर आप अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है माजून फौलादी एम। माजून फौलादी एम प्राकृतिक विटामिन व प्रोटीन से भरपूर ऐसे लोगों के लिए लाजवाब और ज़बरदस्त चीज़ है। ये सिर्फ मर्दों के लिए है और ऐसे लोगों के लिए है जो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी बॉडी नहीं बढ़ती है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, बहुत दवाइयाँ खाकर भी परेशान रहती है मगर फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये माजून फौलादी एम ये इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी में भी जान आएगी, चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती भी बनेगी और चंद ही दिनों के अंदर अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और रिज़ल्ट पाएंगे, यानी बॉडी बिल्कुल फिट होने लगेगी। जिम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों जो लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी बॉडी नहीं बढ़ती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती जा रही है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो ऐसे शख्स ये माजून फौलादी एम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही वज़न बढ़ने लगेगा और शारीरिक जो कमज़ोरी होगी वो भी दूर होने लगेगी और इसी तरीके से जो और बहुत सारी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यानी ये कह लीजिए कि कोई बीमारी आ जाती है उसकी वजह से वज़न घट जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए माजून फौलादी एम बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों इसके इस्तेमाल करने का पूरा तरीका बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको आसानी के साथ मिलती रहे। दोस्तों ये माजून फौलादी एम जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है, सुबह में नाश्ते के बाद एक पाव दूध के साथ सिर्फ 5 ग्राम यानी एक चम्मच का चौथा हिस्सा आपको यूज़ करना होता है और इसी तरीके से शाम में सोते वक्त एक चम्मच का चौथा हिस्सा एक पाव दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों ये बात याद रहे कि माजून फौलादी एम सिर्फ अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके साथ आपको ली 52 सिरप और गोली वो ज़रूर लेनी होती है। ली 52 गोली का मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, उसी नाम से उसका सिरप भी आता है। तो व्यूअर्स देखिए ये हमारे पास है ली 52 गोली, ये हिमालय कंपनी की बड़ी मशहूर मारूफ गोली है। आपको ये एक डब्बी ले लेनी है, आपको ये कहीं से भी जहाँ पर भी देसी दवाओं का या अंग्रेज़ी दवाओं का मेडिकल होता है हर जगह पर ही अवेलेबल होती है, आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको इसी नाम से सीरप आता है, ली 52 के नाम से सीरप भी आता है, गोली भी आती है, दोनों आपको इसके माजून फौलादी एम के साथ यूज़ करने होते हैं। ये तो आपको सुबह में नाश्ते के बाद रात में सोते वक्त माजून फौलादी एम लेना होता है। और ये जो हमारे पास ली 52 गोली और सिरप रहेगा, सिरप के हमें 2 ढक्कन और एक गोली ली 52 की, इस तरीके से आपको सुबह में खाली पेट और शाम में खाली पेट यानी शाम में खाने से 1 घंटा पहले, सुबह में नाश्ते से 1 घंटा पहले, इस तरीके से आपको यूज़ करनी होती है। अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ माजून फौलादी एम ही यूज़ करेंगे, तो आपको फिर चंद दिन भूख लगेगी लेकिन फिर आपकी भूख वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। इसलिए आप जब भी इसको यूज़ करें तो इसको यूज़ करने के साथ साथ ये ली 52 सिरप और गोली आपको ज़रूर यूज़ करना होता है। और दोस्तों इसको आपको 2 से 3 महीने रेगुलर यूज़ करना होता है। जब भी आपको इसको छोड़ना हो तो आप इसको फ़ौरन ना छोड़ें, इसको छोड़ने के लिए कम से कम आप 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, फ़ौरन आप इसको बंद ना करें। और ली 52 सिरप और गोली माजून फौलादी एम बंद करने के बाद भी 1 महीने तक रेगुलर आपको ये यूज़ करना होता है। अगर आप 1 महीने तक रेगुलर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो फिर भी आपकी भूख कम हो सकती है। दोस्तों चलिए आपको इसका जो नुस्खा है आपको वो नुस्खा बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई है, किन चीज़ों से ये तैयार करके बनाया गया। तो व्यूअर्स देखिए इसका जो नुस्खा है माजून फौलादी एम सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। ये आसगंध इसमें 60 ग्राम है, करनफल 55 ग्राम है, लाजवंती 60 ग्राम है, इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क और आप रेशम, सालब मिश्री, दालचीनी, सतावर, गोरखू खुर्द, नागर मोता, आमला खुश्क, शकाकुल मिश्री, ज़ाफरान, इन तमाम चीज़ों से मुरक्कब करके इसको बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको ये लेना है तो आप इसको कहीं से भी जहाँ भी देसी दवा का मेडिकल होता है आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे नंबर आ चल रहे हैं आप उन नंबरों पर भी रابطہ करके इसको ऑल इंडिया में कहीं पर भी इसको मंगवा सकते हैं। तो
दोस्तों उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।